जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, आज हम दिखा रहे हैं आपको महासंगम। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू बुंतर में ये महासंगम है। ये महासंगम जो है, एक साइड से पार्वती है और एक साइड व्यास देव है, दोनों यहाँ पे मिक्स होकर महासंगम हुए हैं। और यहाँ पे तीर्थ स्थान है 20 बहदाव, जो भारत के लोकल कैलेंडर, हिमाचल के लोकल कैलेंडर में 20 बहदाव होते हैं। यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से, और जब घर में कुछ घटना होता है, कुछ हो जाता है, अगर कोई हरिद्वार नहीं जा सकते हैं तो ये यहाँ पे जाते हैं, तो भी हरिद्वार का समान ही माना जाता है, क्योंकि ये महासंगम है। इस महासंगम यहाँ पे देव देवताओं का भी स्थान होते हैं, और यहाँ पे 20 बहदाव को तो लगभग यहाँ पे मेला ही लगता है। बहुत दूर दूर से नहाने तो आते हैं, लेकिन यहाँ का पानी भी लेके जाते हैं घर के लिए, घर में छिड़कने के लिए, उससे घर में बरकत होते हैं, लाभ होते हैं। दोस्तों नदियाँ तो बहुत सुंदर हैं, यहाँ पे नीचे रेत निकाले ट्रैक्टर में, ये ट्रैक्टर नदी पार करके आते हैं, और पल्ली साइड से आकर यहाँ से रेत निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि रेत निकालना भी इनके लिए एक रोज़गार होता है, क्योंकि रेत निकाल के ले जाएंगे तो इनको भी रोज़गार होते हैं, क्योंकि रोज़गार आज के दिन में थोड़ा मुश्किल है महामारी के चलते हुए, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा रोज़गार मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों कभी भी हिमाचल आना है तो ये जगह तो आप देखते हो, ये रोड में पड़ता है बुंतर में, और बुंतर में पड़ता है, और इतनी खूबसूरत जगह, यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए लोग रुकते हैं। और इसके ठीक साथ में एक बहुत बड़ा ब्रिज है, ठीक साथ में सब्जी मंडी है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है अपने फ़ोटो लेने के लिए, इस जगह का सीनरी लेने के लिए मैक्सिमम लोकल भी रुकते हैं, टूरिस्ट भी रुकते हैं, और स्थानीय लोग भी आते हैं यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए, स्थानीय लोग भी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए इस जगह में कि है कैसा है, कैसा वातावरण है, क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वातावरण। वातावरण इस टाइम इतनी अच्छी वातावरण है, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रहा है, वाह वाह बहुत मज़ा आता है यहाँ पे खड़ा होना। नदी किनारे घरे हैं, घरों से बाहर निकल के सुबह शाम बैठते हैं तो कितनी अच्छी हवा आता है नदी का। लेकिन दोस्तों जब सर्दी होते हैं तो क्या होता होगा, क्योंकि जो ठंड है वो घर अंदर तक आते, इतना ठंड होता है कि इसका हवा जो है बहुत ठंड रखता है, जब तक धूप नहीं आए तब तक अंदर बैठना पड़ता है चूल्हे के पास, हीटर के पास, और अंदर अंगीठी लगाते, कोयला लगा के अंदर बैठा जाता है। इतनी बेहतरीन जगह को आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे YouTube के साथी हैं, YouTube के दोस्त हैं, उन तक पहुंचाने का मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनको ऐसा चीज़ दिखाया जाए, वो अभी तक यहां पे नहीं आए हैं, ऐसी जगह नहीं देखे, तो वो YouTube के माध्यम से देखें, YouTube के माध्यम से वो ये देखें और देख के उनको अच्छा लगे, क्योंकि ऐसा नदी जो है, नदी मिलता हर जगह, समुंदर मिलता हर जगह है, लेकिन जो नदी में एक तीर्थ स्थान होते हैं जहाँ पे एक कुछ गुण होते हैं, कुछ पानियों में भी कुछ गुण कहते हैं, वो जगह है हिमाचल और उत्तराखंड। नदियाँ बहुत हैं, समुंदर बहुत हैं, बड़े बड़े समुंदर हैं, लेकिन ये समुंदर नहीं, ये नदी है, ये ऊपर से पहाड़ों से नेचुरल नदी है,
जो कि नेचुरल निकले हुए हैं, कोई बनावटी नदी नहीं है। और इसका पानी जो है बर्फ़ से भी ठंडा होता है। अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, पानी गर्म पानी है, तो इसको बोतल में भर के यहाँ पर रख दो, 10 मिनट में फ्रिज भी फेल हो जाएगा, फ्रिज से भी ठंडा हो जाता है। ऐसा जगह है कि पूछे मत, देवभूमि के अंदर देखने के लिए नदियाँ कितना अच्छा से आ रहा है। नदी बहुत, ये पानी हरा होता है, लेकिन काला पानी इसलिए हुआ है कि ये जो है कभी इसका पानी बिल्कुल साफ होता है, लेकिन आजकल बारिश हो रहे हैं, तो बारिश के होने के कारण नाले नूले कहीं से बादल फटे हुए हैं ऐसा लग रहा है, तो तब करके ऐसा आता है। नदी का रूप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी बेहतरीन है, और देखने को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फोटो लेने को बहुत बेहतरीन जगह है और बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ आप इस वीडियो को देखकर आपको खुद लगेगा ये जगह कैसा है। महासंगम, संगम महासंगम, पहाड़ों से निकले हुए महासंगम, ये पानी काला नहीं होता, ऐसा पानी नहीं होता, ये तो आजकल बादल फट रहा है इसका कारण है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाले का पानी मिक्स हो रहा है, कहीं बारिश का पानी मिक्स हो रहा है, इसका वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा पानी नहीं होता इसका, साफ पानी होता है। ठीक है दोस्तों, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों भोलेनाथ का दरबार दूर है, लेकिन हमें जाना जरूर है। त्रिशूलधारी के दरबार दूर है, हमें जाना जरूर है, क्योंकि भोलेनाथ सबके मालिक, महाप्रभु, भूतनाथ, भयंकारी, शक्तिशाली, भोलेनाथ जी का नाम बहुत है, प्रभु का नाम बहुत है, प्रभु को सब मानते, अलग अलग तरीका से, अलग अलग रूप में। आज के लिए इतना ही, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, थैंक यू, जय हिमाचल।